हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मास्टर शेफ की स्टोरी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये एक्सपीरियंस मैं किसी और के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब से अभिषेक ने अपनी वीडियो में बताया कि मम्मी को हम लेके गए थे मास्टर शेफ में, तो ये स्टोरी मम्मी सुनाएगी। तब से आप लोगों ने हर वीडियो में ये स्पैम कर रहा है, मास्टर शेफ स्टोरी सुनाओ, मास्टर शेफ स्टोरी सुनाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं सुना देती हूँ। वैसे ये मेरा जोनर है, ये स्टोरी टाइम तो निश्चय का काम है, लेकिन चलो मैं ट्राई करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये बात है उस जमाने की। जब फर्स्ट सीजन मास्टर शेफ का स्टार्ट हुआ था 2010 में, इंडिया में पहली बार मास्टर शेफ आया था, तो ये तब की बात है। मतलब कुकिंग का शौक तो पहले से ही था, तो एक दिमाग में यही था कि कुछ करना है। कोरोना भाई, तो तब टीवी बहुत चलता था, आजकल तो टीवी हम लोग कम देखते हैं। तो तब टीवी पे ऐसे ही ऐड आई कि मास्टर शेफ इंडिया स्टार्ट होने वाला है और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो मैंने भी एक दिन देखा, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ट्राई करूं। थोड़े दिन सोचती रही दिमाग में कि क्या करूं। बच्चे तब छोटे थे, तो अभिषेक आई थिंक 6th या 7th में था, निश्चय 8th में था। तो जैसे ही मैंने वो देखी एड, तो मेरे पास उस टाइम पे नोकिया का फोन था, तो मैंने अपना फोन उठाया और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा ली। लेकिन मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, क्योंकि एक दिमाग में यही था कि मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं लक्की हूँ मेरा नंबर आ जाए। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए, लेकिन घर पे मैंने हिंट दिया कि अगर मेरा मास्टर शेफ में नंबर आ जाए तो क्या आप मेरे को लेके जाओगे। मतलब ऐसे भूमिका बांधनी शुरू कर दी थी मैंने। और मास्टर शेफ के जज थे अक्षय कुमार, एक था कुणाल कपूर और एक और थे वो अजय चोपड़ा। तीन थे, अजय चोपड़ा को मैं नहीं जानती, लेकिन कुणाल कपूर और अक्षय कुमार को तो सब जानते हैं। तो अक्षय कुमार को मिलने की एक एक्साइटमेंट थी, तो ठीक है मैंने धीरे धीरे सबको बता दिया कि मैंने मास्टर शेफ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। तो एक दिन क्या हुआ कि बच्चों को मैं लेके आई, बस से आते थे ना तो इनको आगे से लेने जाना पड़ता था, नहीं तो बस वाला वापस ले जाता था। तो ऐसा भी बहुत बार हुआ कि हमें फिर स्कूल जाके उनको लेके आना पड़ता था। तो बस से उनको लेके आई, आके उनको खाना खिलाया, और यही रूटीन होती थी कि खाना खाने के बाद बच्चे थोड़ा सा रेस्ट करते थे दोपहर के टाइम, और मैं अपना कंप्यूटर पे बैठ जाती थी। तो इनको खाना वाना खिला के बिठा दिया कि अपना होमवर्क कर लो, थोड़ा सा रेस्ट करना रेस्ट कर लो, और मैं जैसे ही कंप्यूटर पे बैठी तो मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन किसका आया? मास्टर शेफ के लिए फ़ोन आया। मतलब एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद कि कौन सी डेट थी, लेकिन थी गर्मी थी और उन्होंने मेरे को बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आपको एक डिश बना के लानी है जो जजेस टेस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करेंगे, और साथ में आपने अपना कोई वोटर आईडी कार्ड लेके आना है, प्रूफ लेके आना है, और साथ में 2 फोटो लेके आनी है। तो मैं तो मतलब इतनी खुश, फिर मैंने सबको बता दिया कि मैं तो सिलेक्ट हो गई हूँ और मुझे तो जाना है। मलन साहब को कन्विंस करा कि मुझे लेके जाओ, मैंने मास्टर शेफ में रजिस्ट्रेशन करवाई थी और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। जिस दिन हमने जाना था ऑडिशन के लिए, मैं सुबह 5 बजे उठी, उठ के बच्चों को जो भी बना के रखना था खाना बना के रखा, उनका टिफ़िन तैयार करा, बच्चों को उठा के तैयार करा, उनको स्कूल छोड़ा, और हमने पहुंचना था वहाँ पे 8 बजे। उन्होंने कहा था कि 8 बजे गेट खुल जाएंगे, तो आपको वहाँ पे 8 बजे पहुंचना है। तो बच्चों को 7 बजे हमने ड्रॉप करा और 8 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे, और दिमाग में इतने ख्याली पुलाव पका रहे हैं, हम अक्षय कुमार से मिलेंगे, हम उनको अपनी चीज़ जो भी बना के लेके जा रहे हैं वो डिश खिलाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता। इतनी खुशी थी कि सुबह उठ के मैंने वो डिश भी बना ली, बच्चों को भी तैयार कर दिया, स्कूल भेज दिया और हम लोग वहाँ पहुँच गए। और इतनी खुशी में कुछ खाना भूल गई, कुछ नहीं खाया और वहाँ पहुँच गए। जैसे वहाँ पहुँचे, देखा इतनी लंबी लाइन,
ओह माय गॉड, हमने तो सोचा कि हम ही जल्दी आए हैं और ये दिमाग में था ही नहीं कि अगर मैंने ट्राई करा है ऑडिशन के लिए आई हूँ तो और भी तो लोग आए होंगे, और भी तो इतने लोग होंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचे देखा पहले ही लोग इतने ज़्यादा, इतनी लंबी लाइन। ठीक है चलो, अब लाइन में लग गई मैं भी और धीरे 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 लाइन बढ़ती गई और मेरे पीछे भी इतनी ज़्यादा लाइन लग गई। रोहिणी में ही कोई स्कूल था बहुत बड़ा सा और मतलब हमारे घर के हार्डली एक घंटे का रास्ता था, तो आसपास ही था वैसे तो। ठीक है मैं लाइन में लग गई और मलन साहब अब क्या करें, वो जाके गाड़ी में बैठ गए। वो तो अपना मस्त एसी चला के आराम से बैठे हुए हैं और मैं बाहर गर्मी में खड़ी हूँ। और चलो ठीक है, एक बज गया, लंच टाइम हो गया, चलो जी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। हम भी जहाँ लाइन में लगे थे वहीं बैठ गए। अब वहाँ पे ना तो कोई पानी ना कोई खाने को कुछ, मलन साहब को फ़ोन करा, ये मेरे को एक दो बार पानी दे गए, पता नहीं कहाँ से लाए पानी दे दिया इन्होंने, और लेकिन खाने को कुछ नहीं था, भूख भी लगी हुई थी। लेकिन एक एक्साइटमेंट थी कि बस मेरी टर्न आने वाली है, इस चक्कर में मतलब इस खुशी में कोई भूख प्यास कोई धूप कुछ नहीं, बस मास्टर शेफ़ के ऑडिशन है, ये है अक्षय कुमार से मिलना है, उनको अपनी डिश खिलानी है, ये वो, मतलब दिमाग में मुंगेरी लाल के हसीन सपने ख्याली पुलाव बन रहे हैं। लंच टाइम ओवर हुआ, फिर से दोबारा ऑडिशन स्टार्ट हुए, चलो लाइन बढ़नी शुरू हो गई और इतने में 4:30 बज गए, क्योंकि 5 बजे तक थे ऑडिशन, 8 से 5 का ही टाइम दिया था। जैसे ही 4:30 हुए तो थोड़े से ही लोग थे मेरे आगे, तो मेरे को ये था कि बस मेरी टर्न आ जाएगी। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट कि चलो अब तो टर्न आ ही गई, बस मेरे सामने एक ही लेडी रह गई थी, वो भी अंदर चलेगी। अब इतने में मेरी टर्न थी, 5 बज गए और फिर हो गया हादसा, मेरे सपने धरे के धरे रह गए, गेट बंद हो गए और जजेस भी चले गए। मतलब आप मानोगे नहीं उस टाइम मेरा जो हाल हुआ, कि मतलब मैं वहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई ये सोच के कि सुबह 8 बजे से मैं लाइन में लगी हुई हूँ और हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ 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 हम मतलब एक बार प्लीज़ एक बार, ऐसे मतलब मेरा रोने वाली हालत हो गई थी। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, बस यही थी मास्टर शेफ़ की स्टोरी। उसके बाद कभी हिम्मत ही नहीं करी मैंने, नेक्स्ट डे मलन साहब को बोला कि आज मेरी टर्न से ही स्टार्ट होगा तो चलते हैं, तो मलन साहब ने कानों को हाथ लगाए कि ये देख देवी, मेरे कानों को हाथ लगाया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तूने सारा दिन बर्बाद कर दिया, ऊपर से मैं थक गया, मैं ऑफिस भी नहीं गया और मिला क्या मेरे को। बस फिर उसके बाद हमने कभी ये सोचो कि फर्स्ट सीज़न से ट्राई करा था, अब मेरे ख्याल से 7वां या 8वां सीज़न भी आने वाला है, लेकिन मैंने कभी ट्राई करने की सोची भी नहीं। ये ठीक है मास्टर शेफ़ नहीं तो यूट्यूब ही सही, अब हम YouTube पे खाना बनाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हो, तो इस करके अब मास्टर शेफ़ को मैं भूल गई। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो फिर लाइक कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।